नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। जी हाँ, 24 तारीख को जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग में एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आ सकता है। ये प्रशासनिक लेवल पर एक बड़ी बदलाव के रूप में इशारा होगा, क्योंकि राजीव शुक्ला जो है वो उपाध्यक्ष बन सकते हैं बीसीसीआई के। इस वक्त पे ये पोजीशन पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। इससे पहले जब दादा जो है यानी सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे, उस वक्त पे उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे महिम वर्मा, वो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसके कुछ समय बाद ही जो है ये पद पूरी तरह से खाली हो गया था। अब ये उम्मीद की जा रही है कि राजीव शुक्ला जो है इस वेकेंट पद पर उनकी उपस्थिति होगी। वो आपको पता है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो साल 2018 तक जो है वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के भी अध्यक्ष रहे हैं, जिसके अध्यक्ष अब जो है वो ब्रजेश पटेल हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अगला आने वाला आईपीएल भी ब्रजेश पटेल की निगरानी में ही आगे बढ़ेगा। वही आईपीएल के जो गवर्निंग काउंसिल के कमिश्नर हैं वो वही रहने वाले हैं। बाकी सारे के सारे पद वैसे ही बने रहेंगे। सौरभ गांगुली जो है वो बीसीसीआई अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। जय शाह जो है वो सेक्रेटरी रहेंगे। इसके अलावा जो है वो वेकेंट पद जो है जिसमें उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि राजीव शुक्ला जो है उस जिम्मेदारी को संभालेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हो या फिर नॉर्थ इंडिया के जितने भी क्रिकेट एसोसिएशन हैं उनमें उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि वो टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं। वो आपको याद होगा 2002 में जब टीम इंडिया लॉर्ड्स की बालकनी में दादा जब वो टी शर्ट लहरा रहे थे, तो एक मैनेजर जो है वो पीछे ताली बजा रहा था, वो और कोई नहीं राजीव शुक्ला ही थे। और राजीव शुक्ला उस समय पे टीम इंडिया के मैनेजर हुआ करते थे। तो अब जो है स्थिति बहुत ज़्यादा बदल गई है। अब वो कांग्रेस के नेता भी हैं, अब जो है वो बीसीसीआई की जो गवर्नरशिप है उसको भी हासिल कर चुके हैं 2018 तक। इसके अलावा वो बीसीसीआई में भी अलग अलग पदों पर मौजूद रहे हैं। ऐसे में उनके लिए ये चुनाव जीतना बहुत आसान लग रहा है, और माना यह जा रहा है कि ये तय मानिए कि राजीव शुक्ला जो है वो बीसीसीआई के अगले उपाध्यक्ष होंगे। कैसी लगी आपको ये खबर, जरूर बताइएगा हमें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।